हाउसवाइफ, इंडियन वुमेन, वेस्टर्न वुमेन, अफेयर, प्रोस्टिट्यूट, मिस्ट्रेस, बिन ब्याही माँ, भड़काऊ कपड़े, ये शब्द कहीं चले ना चलें लेकिन कोर्ट में नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये शब्द कोर्ट में जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देते हैं। ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है ये जानने से पहले वो सुनिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2023 में जारी की गई हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स में लिखी गई हैं। ये बताते हुए कि कोर्ट के काम में जज से लेकर वकील तक हर किसी को अपनी भाषा में इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए जो खासकर औरतों, बच्चों और यौन अपराध के संदर्भ में बोले तो जाते हैं लेकिन बोले नहीं जाने चाहिए क्योंकि ये रूढ़िवादी नज़रिए को बढ़ावा देते हैं। यकीनन कोर्ट में दलील देते वक्त एक व्यक्ति या हालात को बयां करने के लिए शब्द तो चाहिए लेकिन वो बेहतर हो सकते हैं जो किसी घिसी पिटी सोच को बढ़ावा न दें। जैसे हाउसवाइफ नहीं होममेकर कहिए, अफेयर की जगह शादी के बाहर रिश्ता कहना बेहतर होगा, इंडियन वुमन या वेस्टर्न वुमन की जगह वुमन चलेगा, भड़काऊ कपड़ों की जगह सिर्फ कपड़े भी चलेगा, प्रोस्टिट्यूट की जगह सेक्स वर्कर और बिन ब्याही माँ की जगह सिर्फ माँ चलेगा। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस किताब की प्रस्तावना में जो लिखा है वो इस तरह की हैंडबुक की जरूरत को बताता है कि किस तरह जेंडर को लेकर घिसी पिटी सोच कई बार कानून के स्वरूप तक को बदल सकती है। इसके कुछ उदाहरण इस हैंडबुक में दिए गए हैं लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि स्टीरियोटाइप होता क्या है। स्टीरियोटाइप यानी किसी व्यक्ति या चीज को लेकर एक तय धारणा रखना जो कि गलत भी हो सकती है। आमतौर पर ये धारणा उसकी राष्ट्रीयता या उसकी आर्थिक स्थिति या उसकी जाति, उसके रंग या उसकी जेंडर को लेकर रखी जाती है। और जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब समझने के लिए सेक्स और जेंडर में फर्क समझ लीजिए। व्यक्ति का सेक्स उसकी शारीरिक बनावट से तय होता है, वहीं जेंडर सदियों की सामाजिक धारणा, हाव भाव, रवैये के हिसाब से निर्धारित किया गया है। और ऐसा नहीं है कि पूरी तरह गलत होता है लेकिन कुछ विचार ऐसे हैं जो कई मामलों में गलत साबित होते हैं। जैसे ये कहना कि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते क्योंकि वो लड़के हैं और आपके टिफिन में जो खाना है वो तो घर की महिला ने ही बनाया होगा। जैसे औरतें शारीरिक तौर पर कमजोर होती हैं, या ये कहना कि ऊंची जाति का पुरुष उत्पीड़ित वर्ग की महिला का शोषण नहीं कर सकता, या ट्रांसजेंडर का शारीरिक उत्पीड़न नहीं हो सकता। इस तरह की सोच और शब्दावली कोर्ट के फैसलों पर कैसे असर डालती है इसका उदाहरण भी हैंडबुक में दिया गया है। जैसे भवरी देवी का केस ले लीजिए। भवरी देवी दलित वर्ग से आने वाली सामाजिक कार्यकर्ता थी जो बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा रही थी। 1992 में उन्होंने एक FIR दर्ज की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ऊंची जाति के पुरुषों ने उनका बलात्कार किया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को रिहा किया और जो कहा वो ये था कि प्रभावशाली जाति के सदस्य उत्पीड़ित जाति की महिला का रेप नहीं कर सकते, अलग अलग जातियों के पुरुष मिलकर गैंगरेप नहीं कर सकते, 60 से 70 उम्र के पुरुष गैंगरेप नहीं कर सकते और इसकी संभावना कम है कि पति की मौजूदगी में औरत का रेप किया जाए। जेंडर और जाति को लेकर कोर्ट की इस धारणा ने उस वक्त पूरे देश का ध्यान बटोरा था। इसी तरह हैंडबुक में एक और केस बताया गया है कि एक हाईकोर्ट में वैवाहिक अधिकारों की बहाली को लेकर एक मामला आया जिसमें पति ने माना कि वो पत्नी को मारता था क्योंकि उसे सुबह 6 बजे नाश्ता चाहिए था लेकिन पत्नी 7 बजे उठती थी। वहीं पत्नी पति की मर्जी के हिसाब से कपड़े नहीं पहनती थी। कोर्ट ने पति की गलती तो बताई लेकिन साथ में ये कहा कि एक समर्पित पत्नी होने के नाते महिला का कर्तव्य है कि वो पति के दफ्तर जाने से पहले उठे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं कि पति उसे मारे। इसी तरह अगर वो अपने पति की इच्छाओं का सम्मान नहीं कर रही जो कि उसे एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी होने के नाते करना चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि पति उसे मारे। यहाँ गौर करने वाली बात है कि कोर्ट ने पति की गलती बताते हुए भी समर्पित पत्नी, पति की इच्छाओं, कर्तव्यनिष्ठ पत्नी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके रटी रटाई सोच को बढ़ावा दे दिया। वैसे इस तरीके के उदाहरण सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर के कोर्ट में देखे जा रहे हैं जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने दुनिया भर के जजों और वकीलों को जेंडर स्टीरियोटाइप से निपटने की ट्रेनिंग देने पर जोर दिया है। वैसे ये ट्रेनिंग सिर्फ वकीलों और जजों को नहीं, हम सबको भी मिलनी चाहिए।